मैं वो क्या बोल रहा था, आई जस्ट क्विकली अगेन कनेक्ट, आई वाज सेइंग दैट स्केल और मेरा वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गॉज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल स्केल, वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गॉज? द डिफरेंस इज दैट वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गॉज में क्या बढ़ रहा है, माई लीस्ट काउंट इज इंक्रीजिंग। जब लीस्ट काउंट मेरा इंक्रीज हो रहा है, एज आई एम गोइंग फ्रॉम नॉर्मल स्केल टू वर्नियर कैलिपर टू स्क्रू गॉज, एज माई लीस्ट काउंट इज इंक्रीजिंग, माई प्रिसीजन इन रीडिंग इम्प्रूविंग एंड माई एक्यूरेसी इज ऑल्सो इम्प्रूविंग, बोथ आर इम्प्रूविंग। सी नाउ आई आस्क यू अ क्वेश्चन, अगर मेरा कोई ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर का है, अगर मेरा कोई ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर का है, हाउ यू विल राइट व्हेन यू मेजर इट फ्रॉम नॉर्मल स्केल, हाउ यू विल राइट व्हेन यू मेजर इट फ्रॉम नॉर्मल स्केल, फ्रॉम वर्नियर कैलिपर एंड फ्रॉम स्क्रू गॉज, हाउ यू विल राइट द वैल्यू? अगर मेरा कोई ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर का है, हाउ यू विल राइट? सी नॉर्मल स्केल यू विल राइट 3.0, और वर्नियर कैलिपर यू विल राइट 3.00, एंड फॉर स्क्रू गॉज यू विल राइट 3.000 सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर। नहीं समझ में आपको? अगेन आई टेल, सी सपोज मेरा कोई ऑब्जेक्ट, सपोज माय ऑब्जेक्ट इज सम ऑब्जेक्ट इज 5 सेंटीमीटर, व्हेन यू आर रिमेजरिंग 5 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट, 5 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट विद नॉर्मल स्केल यू विल राइट 5.0, हियर यू विल राइट 5.00, हियर यू विल राइट 5.000, बिकॉज इसका लीस्ट काउंट क्या है, इसका लीस्ट काउंट क्या है 0.1, ठीक है, 1 डेसिमल तक वैल्यू कैलकुलेट कर सकता है, लीस्ट काउंट है 0.01, इसका लीस्ट काउंट है 0.001 सेंटीमीटर। सो हमेशा याद रखना, डेसिमल के बाद कितने जीरो लगाने हैं वो किस पे डिपेंड करता है, मेरा लीस्ट काउंट किस डेसिमल प्लेस तक है, मेरा लीस्ट काउंट किस डेसिमल प्लेस तक है। सो इसका क्या हो जाएगा, इसका सिग्निफिकेंट नंबर्स इसके कितने हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट नंबर्स 2, इसके सिग्निफिकेंट नंबर्स कितने हो जाएंगे 3, इसके सिग्निफिकेंट नंबर्स हो जाएंगे 4। दिस इज द एडवांटेज ऑफ सिग्निफिकेंट नंबर्स, जो मैं आपको आपको मैंने पढ़ाया था। अब देखो कोई वैल्यू है मेरी, सपोज 1.8, इसमें आ जाएगी 1.85, इसमें आ जाएगी 1.854। देखो दिस इज माय एक्यूरेट मेजर, ये वैल्यू मेरी एक्यूरेट रहेगी, बट ये वैल्यू मेरी अनसर्टेन रहेगी, इसमें ये वैल्यू मेरी एक्यूरेट रहेगी, ये भी मेरी एक्यूरेट रहेगी, बट लास्ट वाली मेरी क्या रहेगी, अनसर्टेन। सिमिलरली इसमें ये 3 मेरी एक्यूरेट रहेंगी, लास्ट वाली क्या रहेगी, अनसर्टेन। तो इसमें देखो अगर मैं इसमें मेजर करूं तो मेरा क्या था, इसमें मैं लिख रहा था 0.35, अब बीच 5 या 6 ये मेरा अनसर्टेन रहेगा, बट ये मेजर मेरी एक्यूरेट रहेगी। तो लास्ट डिजिट जब भी मैं लेता हूं वो क्या होता है, अनसर्टेन डिजिट होती है, ये मेरी अनसर्टेन है। देखो इसमें 0.3 या 0.4 ये अनसर्टेन है। सिमिलरली यहाँ पे 0.358 लिखो या 0.359 लिखो, ये लास्ट डिजिट क्या रहेगी, थर्ड डेसिमल की अनसर्टेन। ठीक है, कितनों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, देन आई प्रोसीड अहेड। सबको आना चाहिए, इंपॉर्टेंट है ये, सिंपल है लेकिन पूछते हैं। तो ठीक है, आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूं, मैं
Which of the following is most accurate? Which of the following is most accurate? ए बी सी डी. अब एक्यूरेसी किससे डिफाइन करोगे? सिग्निफिकेंट नंबर्स आफ्टर डेसिमल, दोनों को मिला के. अब देखो इसमें कितना है, इसमें चार सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं, डेसिमल के बाद एक है, इसमें कितने हैं? एक ही सिग्निफिकेंट नंबर है, इसमें भी एक ही सिग्निफिकेंट नंबर है, इसमें भी एक ही सिग्निफिकेंट नंबर है. सो कौन सा मेरा ज्यादा एक्यूरेट है? ये मेरा ज्यादा एक्यूरेट है. आपको एक एग्जांपल देता हूं, 2.0, 2.00, 2.000, कौन सा रीडिंग मेरा ज्यादा एक्यूरेट होगा? विच रीडिंग विल बी मोर एक्यूरेट? ए बी सी में से थर्ड वन ज्यादा एक्यूरेट होगा. क्यों? क्योंकि थर्ड वन मैंने अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स, देखो 3 डेसिमल मतलब मेरा इंस्ट्रूमेंट ज्यादा अच्छा है, 2 डेसिमल मतलब मेरा इंस्ट्रूमेंट और खराब है, 1 डेसिमल मतलब मेरा इंस्ट्रूमेंट बहुत खराब है. अगर कोई डेसिमल ही नहीं है, 2, 3, 4 मतलब डेसिमल बहुत ही ज्यादा, मेरा बहुत ही ज्यादा खराब स्केल है. इसका मतलब क्या है? मेरा स्केल ऐसा है जिसमें 0, 1, 2, 3, 4 है, लेकिन बीच में कुछ है ही नहीं. इसका मतलब क्या है? 10 डिविजन्स है. इसका मतलब क्या है? और 10 डिविजन्स है. इसका मतलब क्या है? और 10 डिविजन्स है. सो जब डेसिमल के बाद आप देखते हो, व्हेन यू गो बियॉन्ड डेसिमल यू विल अंडरस्टैंड द क्वालिटी ऑफ अ इंस्ट्रूमेंट. तो अगर आप कोई वैल्यू मीटर स्केल से मेजर करते हो, तो यू कैन राइट आइदर 1.8 और 1.7. यू कैन नॉट राइट 1.75. सपोज ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ठीक है. अब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 सपोज मेरा वैल्यू ये 7 और 8 के बीच में है, मेरा वैल्यू 7 और 8 के बीच में है. आइदर आई कैन राइट 1.7, आइदर आई कैन राइट 1.8. 1.75 आई कैन नॉट राइट बिकॉज आई डोंट नो ये क्या है, बट आई कैन अप्रोक्सीमेट इट टू 1.7 और आई कैन अप्रोक्सीमेट इट टू 1.8. दिस इज हाउ आई टेक. सो मेरा मेन स्केल 1 डेसिमल से आगे नहीं जा सकता. सिमिलरली मेरा वर्नियर कैलिपर 2 डेसिमल से आगे नहीं जा सकता है, और मेरा स्क्रू गेज 3 डेसिमल से आगे नहीं जा सकता. स्क्रू गेज के बाद माइक्रोमीटर आता है, वो 4 डेसिमल तक जा सकता है. ओके हाउ इफ यू अंडरस्टूड, इफ यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट प्लीज टाइप वन, एनी डाउट प्लीज आस्क मी. चलो सब क्लियर है, ठीक है. स्टूडेंट्स एक बात बताओ, माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर प्लीज एक्सप्लेन द क्वेश्चन अगेन. देखो नाउ इफ यू केयरफुली सी दिस 3 वैल्यूज, ये वैल्यू क्या है मेरी? 200.0, डेसिमल के बाद 1 है. ये क्या है मेरा? 200 है. ये क्या है मेरा? 20. ये कितना है मेरा? अगेन 20, सॉरी 200. इफ यू केयरफुली सी ऑल 4 वैल्यूज, देयर इज नो डेसिमल पॉइंट, देयर इज नो डेसिमल पॉइंट. बट इफ यू सी हियर सम डेसिमल पॉइंट इज देयर, 200.0 मतलब क्या? मेरा इंस्ट्रूमेंट में लीस्ट काउंट ज्यादा है. इसका लीस्ट काउंट कितना है? 0.1. इसका लीस्ट काउंट कितना है? 0.1, इसलिए यहां तक डेसिमल आ रहा है. अगर मेरा इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट पॉइंट होता, अगर मेरा इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट होता 0.01, तो ये वैल्यू मैं कैसे लिखता? 200.00. अगर मेरा इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट होता 0.001, मैं लिखता 200.000. डेसिमल के बाद पॉइंट बताते हैं मेरा इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट कितना ज्यादा है, और जितना ज्यादा लीस्ट काउंट उतना ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू, उतना ज्यादा प्रिसाइज वैल्यू. ओके वेट आई अनलॉक इट. थैंक यू. आया समझ में जिसने डाउट पूछा था? अथर्व अंडरस्टूड? ओके सपोज एक रीडिंग लिखता हूं मैं 1.68, बताओ ये मैंने किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर किए? ये मैंने किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर किए? नॉर्मल स्केल से, वर्नियर कैलिपर या स्क्रू गॉज? मैंने किससे मेजर किए वैल्यू? विद विद इंस्ट्रूमेंट, वर्नियर कैलिपर. क्यों? क्योंकि वर्नियर कैलिपर मेरा 0.01 तक जाता है, 0.01 तक जाता है.
स्क्रू गॉज 0.001 तक जाता है, ये सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर राइट, तो ये डोज डेसिमल है। अगर 1.6 लिखता तो स्केल, ओके 1.500 मैंने किससे मेजर की होगी, 1.500 मैंने स्क्रू गॉज से, दो डेसिमल बता रहा है कि मेरा स्क्रू गॉज है, तो ये वैल्यू मेरी ज्यादा एक्यूरेट है। अब कोई स्टूडेंट पूछेगा सर 1.5 1.50 मैं, आप इसको ज्यादा एक्यूरेट क्यों बोल रहे हो, इसको कम एक्यूरेट क्यों बोल रहे हो, व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस, बिकॉज सपोज देखो मैं 1 से 2 में जाता हूं, अगर देखो मेरा अगर ऑब्जेक्ट का लेंथ, अगर मेरा ऑब्जेक्ट का लेंथ यहां तक है, यहां तक है, जब भी 1.5 ही लिखूंगा, बट अगर इसमें, अगर इसमें 1.50 है तो इसमें क्या केस हो रहा है, इसमें क्या केस हो रहा है, दैट जो लास्ट पहला डिवीजन है उससे पहले रहेगा, क्योंकि अगर पहले डिवीजन के बाद होता तो 1.51 हो जाता, राइट, दैट्स व्हाई दिस इज मोर एक्यूरेट। कितनों को समझ में आ गया ये, हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस, इजी राइट, ओके आई हैव ऑलरेडी गॉन। अब देखो इसमें प्रॉब्लम क्या है, व्हाट इज द प्रॉब्लम हियर, देखो इसमें प्रॉब्लम क्या है, देखो मीटर स्केल, नॉर्मल स्केल को ही की रीडिंग को हमें पढ़ना बहुत टफ रहता है। अब अगर आप एक 15 सेंटीमीटर का स्केल लोगे, इफ यू टेक 15 सेंटीमीटर स्केल, इफ यू टेक 15 सेंटीमीटर स्केल, 1 मिलीमीटर रीडिंग इटसेल्फ इज वेरी डिफिकल्ट टू मेजर। अगर मैं 0.1 मिलीमीटर का डिवीजन कर दूं और 0.01 मिलीमीटर का, सपोज मैं 1 से 2 जाता हूं और मैं 0.01 मिलीमीटर के डिवीजन बनाता हूं ऐसे ऐसे करके 1 से 2 में, हाउ मेनी ऑफ यू कैन सी इट, कौन देख सकता है इतना छोटे डिवीजन, आई थिंक नोबडी कैन सी, नोबडी कैन सी। नाउ इफ यू केयरफुली सी, यहां पे 0 से 1 में 10 डिवीजन हैं, यहां पे 0 से 1 में 100 डिवीजन हैं। आप एक स्केल लो, स्केल लो 1 सेंटीमीटर का, उसमें 100 डिवीजन कर दो, फिर आप एक 1 सेंटीमीटर का, स्क्रू गॉज क्या करता है, स्क्रू गॉज 0 से 1 सेंटीमीटर के स्केल में 1000 डिवीजन कर देता है, तो वो हमें नॉर्मल आई से इतने 1000 डिवीजन दिख नहीं सकते। How many of you are agreeing with my point? What I am telling to understand? How many of you are understanding the point which I am telling? ये जो normal मेरा screw gauge या screw gauge और मेरा vernier caliper है, आप उसमें आप देख ही नहीं पाओगे। With your eyes you cannot see. Even 1 millimeter is so small. 0.1 millimeter, 0.01 millimeter, 0.01 millimeter will be like आपके बालों के जितना। आपके बालों के जितने पतले डिविजन वो हम आंखों से देख ही नहीं सकते, और डिविजन की थिकनेस भी रहेगी, राइट। सो नाउ सो हाउ टू कम अप विद दिस सॉल्यूशन। देखो व्हाट दे डू, ओके दिस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, व्हाट दे डू, see now, if you see this figure, see now there are two scales, how many of you can are able to see this figure, see if you see there are two scales, one is known as main scale and other is known as vernier scale, dekho main scale ke division utne hi hai, मेन स्केल में कितना डिवीजन है, मेन स्केल में ऐसे ही है 1 मिलीमीटर का ही डिवीजन है। अब जो मेरे वर्नियर स्केल है, जो मेरे वर्नियर स्केल है ये जो आपको दिख रहा है, ये 1 मिलीमीटर को अलग से और 10 डिवीजन में, या 10 डिवीजन, 5 डिवीजन, 20 डिवीजन में डिवाइड कर देता है, तो इससे क्या होता है, आई कैन रीड द वैल्यू। I again explain, देखो
ये मेरा मेन स्केल है। अगर आप मेन स्केल को ध्यान से देखोगे, इफ यू केयरफुली सी मेन स्केल में आपको सेम डिवीजन है नॉर्मल स्केल की तरह, देखो 1-1 मिलीमीटर की। लेकिन ये 1 मिलीमीटर को मैं इधर पे क्या करूंगा, यहाँ पे मैं उसको 10 डिवीजन में और डिवाइड कर दूंगा। आई विल एक्सप्लेन हाउ टू डू। तो क्या होगा, हर एक डिवीजन मेरा, हर एक डिवीजन 1 मिलीमीटर का जो डिवीजन है मेरा, हर एक 1 मिलीमीटर का डिवीजन जो मेन स्केल का है उसको मैंने और 10 डिवीजन में डिवाइड कर दिया। हाउ, विद द हेल्प ऑफ वर्नियर स्केल। बिकॉज अगर मैं यहाँ पे डिवाइड करूंगा तो आई कैन नॉट डू, तो सेपरेटली आई एम डूइंग सेपरेटली। स्क्रू गॉज क्या करता है, स्क्रू गॉज क्या करता है, नॉर्मल स्केल होगा मेरा, नॉर्मल स्केल 1 मिलीमीटर का ही रहेगा। स्क्रू गॉज क्या होता है, अलग से स्केल होता है, सर्कुलर स्केल, सर्कुलर स्केल। वो 1 मिलीमीटर को कितने डिविजन में डिवाइड कर देगा, 100 डिविजन को। तो क्या होगा, मैं जब दो पार्ट में डिवाइड करता हूं, देन आई कैन सी बोथ। यहाँ पे देखो आपको दोनों दिख रहे हैं, आपको ये स्मॉल डिविजन्स भी दिख रहे हैं, 1 मिलीमीटर के सब डिविजन्स भी दिख रहे हैं, आपको 1 मिलीमीटर भी दिख रहा है। तो दिस इज व्हाट द ब्यूटी ऑफ वर्नियर कैलिपर, इट वाज डिजाइन्ड इन 1658 टू मेजर द डायमेंशन ऑफ वेरी थिन ऑब्जेक्ट्स। ओके, कितनों को ये समझ में आया व्हाट आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन, हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस पार्ट। How to use it? I'll explain. अभी तक ये division समझ में आ रहा है? Are you able to understand that how I'm dividing? ठीक है। अब आप देखो पीछे जाओ। जब मेरा ये move कर रहा है, देखो। Now when this is moving, I am getting the values in 2 decimals. Because ये जो मेरा vernier scale है, वो main scale को क्या कर रहा है? और डिवाइड कर दे रहा है। सी लाइक दिस, राइट, सी दिस इज हाउ इट, नाउ हाउ इट वर्क्स एंड हाउ वी कैलकुलेट द वैल्यू, दैट आई विल एक्सप्लेन नाउ। ओके, बिफोर दैट आई आस्क अ क्वेश्चन। Can you let me know the least count of all these 3 scales? Can you let me know the 3 least count of all these 3 scales? इन तीनों स्केल का लीस्ट काउंट क्या होगा? ये तीनों एक टाइप के वर्नियर स्केल है। इन सेंटीमीटर युद्ध के मीन सेंटीमीटर और मिलीमीटर, यू राइट बट जैसे आपने 0.1 लिखा है, 0.1 क्या है मेरा, मिलीमीटर है, ये मिलीमीटर है। ठीक है, पहले का 0.1 मिलीमीटर या 0.01 सेंटीमीटर। ओके, इसका क्या होगा? अब देखो, इफ यू केयरफुली सी ये एक को, ये 0.1 को 10 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा था, ये कितने पार्ट में डिवाइड कर रहा है 0.1 को, हाउ मेनी पार्ट इट इज डिवाइडिंग, 5 पार्ट में। इसका लीस्ट काउंट क्या होगा, 0.1 को 5 में डिवाइड करो, क्या आंसर आता है, 0.0, if I first write in 0. जल्दी बताओ, 0.2 मिलीमीटर या 0.02 सेंटीमीटर। इसका क्या हो जाएगा, 0.5 मिलीमीटर, क्योंकि 0.1 को 0.1 सेंटीमीटर को मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूं, राइट, या फिर 0.05 सेंटीमीटर। कितनों को समझ में आ रही है, हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस, किसी को कोई डाउट प्लीज पूछो मुझसे। ओके, अथर्व को डाउट है, कल्पना को आ गया, प्रतीक, ओके, अगेन आई एक्सप्लेन। अब देखो मैं लीस्ट काउंट कैसे निकालता हूं, स्मॉलेस्ट वैल्यू। देखो, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 यूनिट अपॉन नंबर ऑफ डिविजन, 1 यूनिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन।
इसकी वन यूनिट कितनी बड़ी है, 0.1 सेंटीमीटर, उसमें कितने डिविजन है, 10 डिविजन है, बिकम्स 0.01 सेंटीमीटर। इसमें अब देखो वन यूनिट कितनी है, 0.1, कितने डिविजन है, 5, क्या हो जाएगा 0.02 सेंटीमीटर। सर आवाज ब्रेक हो रही है, अभी भी ब्रेक हो रही है, आवाज आ रही है मेरी, एम आई ऑडिबल? ओके गुड। मैं क्या बोल रहा था, वन यूनिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स, इसकी वन यूनिट क्या है 0.1, डिविजन्स 10 है, जो मैंने यहाँ पे किया 0.01 सेंटीमीटर हो गया, मिलीमीटर के लिए 10 से मल्टीप्लाई करूँ, इसमें क्या 0.1 वन यूनिट है, डिविजन्स कितने हैं 1, 2, 3, 4, 5, कितना हो जाएगा 0.02 सेंटीमीटर या 0.2 मिलीमीटर। इसमें क्या है वन यूनिट कितनी है 0.1, डिविजन्स कितने 2, कितना हो जाएगा लीस्ट काउंट 0.05 सेंटीमीटर या फिर 0.5 मिलीमीटर। ओके आ गया समझ में, कितनों को आ गया समझ में, हाउ मेनी अंडरस्टूड? सबको आ गया, वेरी गुड। ओके Okay, 45 minutes more. I think we will able to complete it. अगर नेट प्रॉब्लम नहीं करता। Okay. Now students, इसमें से सबसे ज्यादा accurate. After this chapter, I'll take vectors, then I'll go to force and then mechanics. Vectors will take one or two classes because I have to take the seminar. Forces and mechanics is good topic. It will take time. पूरा आपका बुक ही पूरा फिजिक्स है, आपका मैकेनिक्स है 70%। ठीक है, इसमें से कौन सा एक्यूरेट है और कौन सा प्रिसाइज है, ए बी और सी? ए वन राइट, क्यों? क्योंकि उसका लीस्ट काउंट सबसे कम है, जितना कम लीस्ट काउंट उतना ज्यादा अच्छा आंसर। तो ठीक है, अब ये वर्क कैसे करता है, देखो मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया है, इसका आंसर क्या होगा 0.32 के बीच में रहेगा, इसका 0.3, अभी कंफ्यूज जाओगे 2 है या 4 है, राइट 4 ले सकते हैं, और इसमें तो और कंफ्यूज जाओगे, या तो 0.3 आप लोगे, 0.30 लोगे या 0.35 लोगे, कंफ्यूज जाओगे राइट। सो दिस इज हाउ देयर इज चेंज इन एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन ड्यू टू डिविजन्स और लीस्ट काउंट। ओके नाउ हाउ वर्नियर स्केल वर्क्स। ठीक है, वर्नियर स्केल के पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, सी फर्स्ट थिंग इज मेन स्केल, जो मेरा जो बड़ा स्केल होता है उसको क्या बोलते हैं हम, मेन स्केल बोलते हैं, जैसे यहां पे मेरा ये मेन स्केल है। फिर होता है वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल क्या है, ये मूवेबल स्केल, ये मूवेबल स्केल को वर्नियर स्केल बोलते हैं। देखो ये मेरा क्या है वर्नियर स्केल, मैंने ये सिंप्लीफिकेशन के लिए ऐसा बनाया, ये स्लाइड होता है यहाँ पे, इट स्लाइड्स, और ये जॉज है मेरे, इन दो के बीच में ऑब्जेक्ट को रखता हूं, इन दो के बीच में ऑब्जेक्ट को रखता हूं, अपने छोटे से कोई भी स्मॉल ऑब्जेक्ट को, पाइप को रख दिया, ये मेरे पेन को रख दिया मैंने, ये पेन है इसको मेजर करना है मुझे, पाइप मेजर करना है पाइप का विड्थ, ये सब मुझे कोई स्मॉल ऑब्जेक्ट मेजर करना है, स्क्रू वगैरह उसको मैंने रख दिया। अब देखो मेन स्केल डिवीजन क्या होता है, मेन स्केल डिवीजन स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ मेन स्केल,
अब देखो, आप ध्यान से देखोगे, मेन स्केल डिवीजन स्मॉलेस्ट वैल्यू, ओके सपोज ये मेरा मेन स्केल है, इसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होगी, इसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होगी, इसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होगी, मेरी जो मैं पढ़ता हूं क्या, 0.1 सेंटीमीटर। अब वर्नियर स्केल डिवीजन क्या होता है, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ वर्नियर स्केल, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ वर्नियर स्केल, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ वर्नियर स्केल, इसको क्या बोलते हैं, वर्नियर स्केल डिवीजन। ओके, नाउ आई एम टेलिंग यू वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ट्राई टू पे अटेंशन। देखो, इफ यू सी वर्नियर स्केल स्लाइड्स ओवर मेन स्केल, तो जब मैं दोनों को जीरो पे रखता हूं, जब मैं मेन स्केल और वर्नियर स्केल दोनों को जीरो पे रखता हूं, सो इफ यू केयरफुली सी, मेरी वर्नियर स्केल की वन यूनिट कितनी बड़ी है, इफ यू केयरफुली सी द वन यूनिट ऑफ वर्नियर स्केल इज हाउ मच, 0.9 सेंटीमीटर, राइट? और कितने डिविजन्स हो जाएंगे, 10 डिविजन्स हो जाएंगे। तो मेरे वर्नियर स्केल डिविजन्स कितने निकलेंगे मेरे, 0.09 सेंटीमीटर। कितनों को समझ में आया ये, हाउ मेनी अंडरस्टूड? मतलब एक वैल्यू कितना होगा, 0.09, राइट? अब मेरा लीस्ट काउंट क्या होता है, लीस्ट काउंट वर्नियर कांस्टेंट क्या होता है, मेरा मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन क्या हो जाएगा, 0.1 माइनस 0.09 इक्वल टू 0.01 सेंटीमीटर। आई अगेन एक्सप्लेन, मेन स्केल डिवीजन क्या होता है, जो मैं आपको अभी तक ये पीछे जितने भी पढ़ा रहा था, क्या एक यूनिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स, वो मैंने यहां पे भी वही किया, एक यूनिट कितना था, वन था, डिवाइड बाय 10 बिकम 0.1 सेंटीमीटर, वो मेरा मेन स्केल डिवीजन हो गया। वर्नियर स्केल डिवीजन भी वैसे ही निकलेगा, वर्नियर स्केल की एक यूनिट कितनी बड़ी है, अब देखो ये 0.9 से टच हो रहा है, ये 0.9 से टच हो रहा है, तो मेरा क्या हो जाएगा, 1 यूनिट 0.9 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 10 डिविजन्स, क्या हो जाएगा, वर्नियर स्केल डिवीजन 0.09 सेंटीमीटर। अब मैं दोनों को डिवाइड कर दूंगा, मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन, मुझे क्या मिल जाएगा, 0.01 सेंटीमीटर। ओके, यहां तक कितनों को समझ में आ गया, सबको आया, कोई डाउट है क्या, किसी को पूछ लो, नहीं है, ठीक है। मैं आपको एक फॉर्मूला, हाँ, पिच, पिच क्या होती है, पिच इज सेम एज मेन स्केल डिवीजन, मेन स्केल डिवीजन को ही पिच बोलते हैं, मेन स्केल डिवीजन को ही क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं, तो क्या हो जाएगा, 0.1 सेंटीमीटर। मेन स्केल डिवीजन का दूसरा नाम क्या है, पिच, और लीस्ट काउंट क्या है, जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू में मेजर कर सकता हूँ, तो मैं इस डिवाइस से सबसे स्मॉलेस्ट मेजर क्या कर सकता हूँ, 0.01 सेंटीमीटर। अब देखो, मैं आपको एक डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूँ, आप उस फॉर्मूले को यूज करोगे तो आपको क्या होगा, आपको सारे क्वेश्चंस नीट और मेंस के सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। देखो, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू मेन स्केल डिवीजन 1 माइनस m/n। नाउ व्हाट इज दिस, आई टेल यू, सी इफ आई केयरफुली सी, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन। इफ आई टेक मेन स्केल डिवीजन आउटसाइड, व्हाट विल बी आंसर, 1 माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन अपॉन मेन स्केल डिवीजन। नाउ सी, इफ आई अप्लाई दिस फॉर्मूला, व्हाट विल बी द आंसर, मेन स्केल डिवीजन, व्हाट इज द मेन स्केल डिवीजन, 0.1 इंटू 1 माइनस नंबर ऑफ मेन स्केल डिवीजन कोइंसाइड विद द वर्नियर स्केल, ये एम हो जाएगा,
कितने मेरे? मेन स्केल डिवीजन कोइंसाइड विद द वर्नियर स्केल, 9। कितने डिवीजन कोइंसाइड हो रहे हैं? 9। एंड नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन्स 10। 0.1 इंटू 1 माइनस 0.9, आई विल गेट 0.01। कितनों को समझ में आ रहा है ये कॉन्सेप्ट? देखो मेन स्केल डिवीजन लिखो जो भी है आपका, 1 माइनस जो वर्नियर स्केल के कोइंसाइड हो रहे मेन स्केल से वो लिखो, 9 कोइंसाइड हो रहे हैं डिविजन्स, डिवाइड बाय टोटल वर्नियर स्केल के डिविजन्स कितने हो रहे हैं? 10 हो रहे हैं। क्या हो जाएगा? 0.1 इंटू, ये भी हो जाएगा 0.1, 0.01 सेंटीमीटर। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट। इससे आपको इसी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आते हैं। अभी देखो हम नीट के दो क्वेश्चंस करेंगे, नीट के हम दो क्वेश्चंस करेंगे, ओके, विल डू टू क्वेश्चंस फ्रॉम नीट। ओके, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, आई विल ऑल्सो हेल्प यू। 1 सेंटीमीटर ऑन अ मेन स्केल ऑफ अ वर्नियर कैलिपर इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। 1 सेंटीमीटर ऑफ अ वर्नियर स्केल ऑफ अ मेन स्केल ऑफ अ वर्नियर कैलिपर इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। ओके, इफ 10 डिविजन्स ऑफ वर्नियर कोइंसाइड विद द 8 स्मॉल डिविजन्स ऑफ मेन स्केल, ये वर्नियर स्केल के 10 डिविजन है, मेन स्केल के कितने से कॉइंसाइड कर रहे हैं? 8 से। व्हाट विल बी लीस्ट काउंट? मैंने लीस्ट काउंट का क्या फॉर्मूला बताया? मेन स्केल डिविजन इनटू 1 माइनस नंबर ऑफ कॉइंसाइडिंग डिविजन्स ऑफ मेन स्केल विद वर्नियर, कितने? 8, डिवाइड बाय टोटल वर्नियर स्केल डिविजन 10। सो क्या हो जाएगा? मेन स्केल डिविजन कितना है मेरा? अब देखो मेन स्केल डिवीजन क्या है, 1 सेंटीमीटर को मैंने 10 पार्ट्स में डिवाइड किया है, 1/10 क्या हो जाएगा? 0.1 सेंटीमीटर। सो 0.1 इंटू 1 माइनस 0.8, 0.1 इंटू 0.2 इक्वल टू 0.02। आंसर क्या आ जाएगा? बी। अब देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो ये डिफरेंस है दोनों के बीच का, ये भी 0.02 है। तो जो ये डिफरेंस होता है और जो लीस्ट काउंट होता है वो सेम आता है। देखो ये कितना डिफरेंस है, 0.02 का, दो मेन स्केल डिविजन्स, जो डिफरेंस है दोनों के बीच में वो ही डिफरेंस लीस्ट काउंट होता है। ओके, अगर सबको समझ में आया प्लीज टाइप 1, एनी डाउट प्लीज टाइप 0। ओके, आई विल अगेन रिपीट। देखो ओके नुपुर, ये डायग्राम समझ में आ रहा है आपको? ये डायग्राम मेन स्केल और वर्नियर स्केल का, देखो फॉर्मूला क्या है, मेन स्केल डिवीजन 1 माइनस नंबर ऑफ मेन स्केल डिवीजन कोइंसाइडिंग विद द नंबर ऑफ मेन स्केल डिवीजन कोइंसाइडिंग विद द वर्नियर कैलिपर। मैंने यहां पे बताया आपको फॉर्मूला क्या, मेन स्केल डिवीजन कोइंसाइडिंग विद द मेन स्केल डिवीजन कोइंसाइडिंग विद द वर्नियर स्केल। कितने मेन स्केल डिवीजन? मेन स्केल डिवीजन कितने? 8 अपॉन नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन। वर्नियर स्केल डिवीजन कितने आपको दिया है? 10 डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद द स्मॉल 8 डिविजन्स ऑफ मेन स्केल, सो 1/8/10 क्या जाएगा मेरा? 0.1 इंटू 1 माइनस 0.8, 0.02 सेंटीमीटर। आया समझ में नुपुर? ओके ठीक है, एक और क्वेश्चन, ठीक है, ये भी नीट का क्वेश्चन है, ट्राई दिस वन, लीस्ट काउंट। देखो
एन डिविजन ऑफ वर्नियर कोइंसाइड विद एन माइनस वन डिविजन ऑफ मेन स्केल, ये मेरा क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा, ये हो जाएगा एन। फॉर्मूला क्या है, मेन स्केल डिविजन वन माइनस एन बाय एन। मेन स्केल डिविजन मेरा कितना दिया है, मेन स्केल डिविजन इज 1 मिलीमीटर, द लीस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज सेंटीमीटर। तो मेरे को पहले मिलीमीटर में मिलेगा, मुझे उसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना। तो मेन स्केल डिविजन है 1 × 1 − एम क्या हो जाएगा मेरा, एन माइनस वन अपॉन एन हो जाएगा एन। कितनों को समझ में आए, हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस पॉइंट, हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस पॉइंट, कितनों को समझ में आए, बच्चों ने निकाल लिया, वेरी गुड। देखो पूछो मुझसे, या को कहीं मिलेगा नहीं ये कॉन्सेप्ट, बुक में नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं है। ओके, एन माइनस एन प्लस वन ये पूरा अपॉन एन क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा 1 / n mm। अब वो चाहिए सेंटीमीटर में, तो 1 / 10 n cm हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। चलो ठीक है, ओके स्क्रू गॉज के क्वेश्चंस हैं। ओके जेईई मेंस आईआईटी का 2010 का क्वेश्चन, ओके ट्राई करो। देखो एडवांस के नहीं करवा रहा है, जस्ट टिल मेंस, मेंस और नीट काफी मैच हो जाता है। 20 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल विच मैच विथ 16 मेन स्केल डिवीजन, मेन स्केल डिवीजन एम हो गया, ये एन हो गया, राइट। मेन स्केल डिवीजन मुझे पता है 1 मिलीमीटर मार्क्स ऑन मेन स्केल, मतलब ये क्या है मेरा मेन स्केल डिवीजन की रीडिंग, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू मेन स्केल डिवीजन 1 − m/n क्या हो जाएगा, 1 मिलीमीटर 1 − 16 / 20, 1 − क्या हो जाएगा ये 4/5, क्या 0.2 मिलीमीटर। सबको ये याद रखना है, आपको याद रख, किसी को कोई डाउट हो तो पूछो, आपको क्या याद रखना है, आपको ये याद रखना है। अथर्व को नहीं आया, ठीक है अथर्व, आपको सिर्फ ये क्वेश्चन समझ में आया, बाकी भी नहीं आया समझ में। दिस वन, चलो ठीक है। अ वर्नियर कैलिपर हैज 1 मिलीमीटर मार्क ऑन दिस ऑन द मेन स्केल, अ वर्नियर कैलिपर हैज 1 मिलीमीटर मार्क ऑन द मेन स्केल, मतलब क्या, वर्नियर कैलिपर में दो स्केल होते हैं, मेन स्केल एंड वर्नियर स्केल। तो देखो मेन स्केल में क्या है, 1 मिलीमीटर मार्क है, मतलब क्या है, ये इसका लीस्ट, ये इसका पिच है, स्मॉलेस्ट वैल्यू पिच और मेन स्केल डिवीजन। अब मुझे क्या बता रहे, 20 डिवीजन्स ऑफ वर्नियर स्केल मैच विद द 16 ऑफ मेन स्केल, मतलब क्या, अगर मैं मेन स्केल में 16 डिवीजन्स बनाता हूँ, ये 16 डिवीजन्स है, वो मेरे वर्नियर कैलिपर के कितने डिवीजन्स में मिलेंगे, 20 में। ये 16 डिवीजन ऑफ मेन स्केल है, 20 डिवीजन्स ऑफ वर्नियर स्केल है। मैं लीस्ट काउंट क्या होता है, मेन स्केल डिवीजन 1 − नंबर ऑफ कोइंसाइडिंग डिवीजन्स ऑफ मेन स्केल अपॉन टोटल डिवीजन्स ऑफ वर्नियर स्केल, टोटल डिवीजन्स ऑफ वर्नियर स्केल क्या हो जाएगा मेरा आंसर, 1 − 4/5। अथर्व आया समझ में,
चलो ठीक है। ओके ये 2003 का क्वेश्चन है, बहुत पुराना। देखो मैं आपको मेंस के पुराने क्वेश्चन क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि तो 10 साल वाले पुराने मेंस के क्वेश्चन होते हैं वो नीट में आ जाते हैं, 10 साल ऐसे ही आता है, वो 10 साल पहले क्वेश्चन उठा के डालते हैं। ठीक है सिंपल क्वेश्चन है, मैंने ऑप्शन नहीं दिए आपसे, मैं आंसर सुनना चाहता हूँ। ये ए यूनिट क्या है? ईस्ट डिवीजन, मेन स्केल डिवीजन है ए। इफ ईस्ट डिवीजन ऑफ मेन स्केल इज ए यूनिट्स, फाइंड द लीस्ट काउंट। मेन स्केल डिवीजन 1 माइनस कोइंसाइडिंग डिवीजन्स, कौन से डिवीजन कोइंसाइड हो रहे हैं? एन डिवीजन ऑफ मेन स्केल कोइंसाइड, राइट? तो कोइंसाइडिंग एन हो गए, और टोटल 1 ईयर डिविजन कितने? एन प्लस वन, ए एन प्लस वन माइनस एन अपॉन एन प्लस वन, ये दोनों कट जाएंगे, ए अपॉन एन प्लस वन। कितनों को आया समझ में? हाउ मेनी गॉट दिस, हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस? सबको इसे याद रखना है, कोइंसाइडिंग डिविजन ऊपर लिखो, सारे वर्नियर डिवीजन नीचे लिख दो। कोइंसाइडिंग डिवीजन ऊपर लिख दो, सारे वर्नियर डिवीजन नीचे लिख दो। ओके अभी रीडिंग निकालेंगे, हाउ टू कैलकुलेट द रीडिंग्स। ओके तो आपका ये टॉपिक मैंने कवर कर दिया। अब वर्नियर स्केल से हम रीडिंग कैसे लेते हैं? वर्नियर स्केल से हम रीडिंग कैसे लेते हैं? मैं आपको एक आंसर बताऊंगा, बाकी आप कर पाओ। ठीक है आपको ये फिगर क्लियर दिख रहा है क्या, जो ये ए फिगर है दिख रहा है? मैंने बुक से लिया है इसलिए थोड़ा ब्लर है। अब देखो हम कैसे निकालते हैं, मैं मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग को मैं ऐड कर दूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगी? एक्चुअल रीडिंग मिल जाएगी। जो भी मेन स्केल रीडिंग होती है वो फर्स्ट प्लेस ऑफ डेसिमल तक आंसर देती है, सेकेंड प्लेस ऑफ डेसिमल मुझे कौन देता है? वर्नियर स्केल, क्योंकि ये सेकेंड डेसिमल का काम किसका? वर्नियर स्केल का। अब देखो अब इफ यू केयरफुली सी, ये 5 से 6 जा रहा है, ये 10 डिवीजन है, ये होगा मेरा 4.5, मुझे इसकी रीडिंग निकालनी है, ये मेरा 4.5 है। अब देखो ये क्या होगा मेरा 4.6, ये होगा मेरा 4.7। देखो 4.7 के बाद मेरा वर्नियर स्टार्ट हो गया, तो इससे पहले तक मैं मेन स्केल रीडिंग ले लूंगा। 4.7 प्लस। अब देखो वर्नियर स्केल कैसे लेता हूं मैं देखूंगा मेरा वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है। अगर आप केयरफुली देखो तो ये दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं, ये वर्नियर स्केल और मेन स्केल के, ये दोनों क्या हो रहे हैं? कोइंसाइड हो रहे हैं। यहां तक कितनों को समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं? पहले मैं मेन स्केल ले लिया, अब मैं वर्नियर, जैसे ही 4.7 से आगे वर्नियर स्केल शुरू हो गया, देख रहे हैं आपको, हमें वर्नियर स्केल पे आ गया। अब देखो वर्नियर स्केल का कौन सा कोइंसाइड हो रहा है? वर्नियर स्केल का कोइंसाइड हो रहा है 1, 2, 3, 4, ये 4 डिवीजन, राइट? अब वर्नियर स्केल रीडिंग क्या होती है? जो डिवीजन मेरा कोइंसाइड हो रहा है, 4 डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट वर्नियर स्केल। अब देखो वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट अगर आपको नहीं दिया है तो हम यूजली क्या लेते हैं? 0.01 सेंटीमीटर। आंसर क्या आ जाएगा? 4.74 सेंटीमीटर। तो ये मेन स्केल से आया, ये वर्नियर स्केल से आया। ओके कितनों को समझ में आया? कल्पना को डाउट है? ओके और किसी को? आई विल रिपीट, श्योर। अब देखो मैं कैलकुलेशन स्टार्ट कर रहा हूं, ये 1 से स्टार्ट हुआ है, मैंने 4. मुझे स्केल में 4.5 से दिया, मुझे स्टार्टिंग पॉइंट जरूरी है। 4.5, 4.6, 4.7 मेन स्केल पे आया। देखो 4.7 के बाद क्या स्टार्ट हो गया मेरा? वर्नियर स्केल। 4.7 के बाद वर्नियर स्केल, सो 4.7 प्लस। अब मैं वर्नियर स्केल की रीडिंग लूंगा, यस वर्नियर वॉज जीनियस। अब ये क्या करेगा? 1, 2, 3, 4। अब मैं डिवीजन लूंगा वर्नियर स्केल के,
फोर्थ डिवीजन था, फोर्थ डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट क्या है मेरा? 0.01, 0.01। अगर कुछ नहीं दिया तो लीस्ट काउंट में क्या लूंगा वर्नियर का? 0.01। अगर दिया है तो वो लूंगा, ठीक है, 0.01। 4 × 0.01 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मुझे वर्नियर स्केल रीडिंग मिल जाएगी। तो क्या हो जाएगा? 4.7 प्लस 4 × 0.01, आंसर आ गया 4.74। चार कैसे आया? अब देखो वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन, देखो कौन सा मेरा मेन स्केल के साथ मिल रहा है, ये मिल रहा है कि नहीं, बोता मिल रहे है कि नहीं, बोता ज्वाइनिंग जो ज्वाइन होता है उसको लेते हैं, जो ज्वाइन होता है उसको लेते हैं। देखो फोर्थ ज्वाइन हो रहा है, आ रहा है कल्पना, दिख रहा है? देखो मैं इरेज करता हूँ, दिख रहा है? फोर्थ ज्वाइन हो रहा है, फोर्थ ज्वाइन हो रहा है, बाकी कोई भी ज्वाइन नहीं हो रहा, ठीक है। अगर ये समझ में आ गया, ट्राई टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चन। देखो जीरो यहां से स्टार्ट है स्केल का, यहां से जीरो स्टार्ट है, सेवन पॉइंट 3.5। कैसे? देखो 7.1, 7.2, ये 7.3। देखो 7.3 के बाद मेरा क्या स्टार्ट हो रहा है? वर्नियर। तो मेन स्केल रीडिंग क्या है? 7.3 प्लस। अब वर्नियर स्केल की रीडिंग कैसे लूंगा मैं? अब वर्नियर स्केल की कैसे रीडिंग लूंगा मैं? देखो कौन सा कोइंसाइड हो रहा है, ये कोइंसाइड हो रहा है 1, 2, 3, 4, 5 प्लस 5 × 0.01, लीस्ट काउंट 0.01 होता है, क्या हो जाएगा? 7.35 सेंटीमीटर। कितनों को समझ में आ गई है? हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस? इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग प्लीज टाइप वन। चलो ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन एडवांस का है लेकिन इजी है इसलिए डाल दिया। अब तो देखो सोचना मत, एडवांस का डाल दिया। 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 9 मेन स्केल डिवीजन, ये क्वेश्चन में दिया है और मुझे ये दिया है, मुझे वैल्यू निकालनी है, आई नीड टू फाइंड द वैल्यू। शुड यू ऑलवेज मल्टीप्लाई वर्नियर रीडिंग विद 0.01? नी नो, यू हैव टू मल्टीप्लाई वर्नियर स्केल रीडिंग विद लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट इनटू लीस्ट काउंट। इन दोनों केस में लीस्ट काउंट 0.01 था, लेकिन हमेशा जरूरी नहीं है कि 0.01 हो। मैं वही समझाने के लिए मैंने ये क्वेश्चन दिया है। देखो 9 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू 9 मेन स्केल डिवीजन, 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू 9 मेन स्केल डिवीजन। पहले आपको लीस्ट काउंट निकालना पड़ेगा, क्या होगा? मेन स्केल डिवीजन आपको दिख रहा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, मेन स्केल डिवीजन 1 माइनस कोइंसाइडिंग डिवीजन माइनस, सॉरी कोइंसाइडिंग डिवीजन 9 है, टोटल वर्नियर स्केल 10 है। तो वर्नियर स्केल देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, वर्नियर स्केल के डिवीजन 10 है, क्या जाएगा 0. अगर मैं सेंटीमीटर में लेता हूं 0.1 × 0.01 सेंटीमीटर। अब आंसर देखते हैं 2.678, ये 2.8 है। कोइंसाइडिंग कौन सा हो रहा है? देखो ये कोइंसाइड हो रहा है, कंफ्यूज मत होना। देखो सबसे ऊपर ये कोइंसाइड नहीं हो रहा है, तो हो जाएगा 2.8। अब देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2.87 मेरा आंसर होगा। ओके कितनों को आया समझ में? हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस? निनाड आ रहा है समझ में? नेहा,
पवन, जयदीप, निनान आ रहा है आपको? निनान, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस, सॉरी। चलो ठीक है, चलो ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछो। ठीक है, ये मेरा, हम ऐसे करते हैं। अब देखो, अब आपको अगर ये समझ में आ गया तो स्क्रू गॉज बहुत आसान है। देखो स्क्रू गॉज कैसे वर्क करता है, देखो इसमें स्क्रू घूमता है। इवन स्क्रू रोटेट्स तो क्या होगा, मेरा मेन स्केल में मूव होगा। जैसे आपका स्क्रू ड्राइवर से आप स्क्रू घुमाते हो ना, देखो मेरा स्क्रू रोटेट होगा। सी हाउ मेनी आर एबल टू सी इट, हाउ मेनी आर एबल टू सी इट, हाउ मेनी आर एबल टू सी। देखो ये कुछ नहीं है, ये स्क्रू रोटेट हो रहा है स्क्रू ड्राइवर की तरह। अब एक स्क्रू रोटेट करो तो अंदर बाहर जाता है ना, तो ऐसे मैं कैलकुलेट करता हूं। ठीक है सी, अब देखो इसमें ध्यान रखना है, इसमें दो स्केल होते हैं, ये मेन स्केल है, ये सर्कुलर स्केल है। दिस इज नोन एज मेन स्केल, दिस नोन एज सर्कुलर स्केल, मेन स्केल सर्कुलर स्केल। यहाँ पे भी क्या है, ये मेन स्केल सर्कुलर स्केल। अब देखो स्क्रू गॉज में क्या होता है, ये रहा मेन स्केल सर्कुलर स्केल। हम रैचेट से पकड़ के घुमाते हैं, हम रैचेट से पकड़ के घुमाते हैं, और इन दोनों के बीच में मैं ऑब्जेक्ट रखता हूं, इन दोनों के बीच में ऑब्जेक्ट रखता हूं। ठीक है, अगर आप स्कूल, अगर आपका स्कूल खुला इस साल, अगर आपको जाने को मिला, एक्सपेरिमेंट अगर हुए, उम्मीद कम है, तो आपको ये देखने को मिल सकता है, चांसेस वैसे बहुत कम है। चलो ठीक है, अब मैं रीडिंग्स कैसे लेता हूँ। रीडिंग्स के लिए पहले मैं वापस वो सेम कॉन्सेप्ट करूंगा, डेफिनेशन, मेन स्केल सर्कुलर स्केल पिच। पिच क्या होती है, पिच क्या होती है, एन वन रोटेशन ऑफ सर्कुलर स्केल डिस्टेंस और द लेंथ कवर्ड बाय मेन स्केल। सपोज मैं सर्कुलर स्केल का एक रोटेशन करता हूं, पूरा इसको पूरा घुमाता हूँ एक रोटेशन में। मेन स्केल सपोज मेरा 3 मिलीमीटर कवर करता है, तो मेरा पिच क्या हो जाएगा, 3 मिलीमीटर। अगर मैं एक रोटेशन में मेरा ये 1 मिलीमीटर कवर करता है, एक रोटेशन में 1 मिलीमीटर कवर करता है, तो मेरा पिच क्या हो जाएगा, 1 मिलीमीटर। अगर मेरा ये एक रोटेशन, अगर मेरा 3 रोटेशन में 6 मिलीमीटर कवर करता है, तो पिच क्या हो जाएगा, 6/3 इक्वल टू 2 मिलीमीटर। अब लीस्ट काउंट क्या है, पिच डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिवीजन्स सर्कुलर स्केल। मतलब क्या, सपोज देखो इसमें एक रोटेशन में मैंने 3 मिलीमीटर कवर किया। अब मैं सर्कुलर स्केल डिवीजन सपोज 50 है, सपोज 50 है, तो मेरा लीस्ट काउंट क्या हो जाएगा, 3/50 मिलीमीटर। फिर वर्नियर स्केल में मेरा स्केल के डिवीजन्स रहते थे, उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ता था। इसमें थोड़ा अलग तरीका है, इसमें मैं सारे डिवीजन से पिच को मैं वो कर देता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, कितनों को ये समझ में आ रहा है। आई विल टेक क्वेश्चन, हाउ मेनी आर अंडरस्टैंडिंग। आपको थोड़ा ये पिच का कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हो सकता है ना हुआ हो। पिच में फिर बताता हूं, जब मैं इसको 0 से स्टार्ट करके, सपोज यहाँ पे 0 है, मैं घुमा के फिर लाता हूँ 0 पे, तो ये स्केल पे मूव करेगा लेफ्ट या राइट,
इट विल मूव सम डिस्टेंस सम लेंथ, जितना एक रोटेशन में ये मूव करता है उसको मैं पिच बोलता हूँ। और लीस्ट, और मेरा लीस्ट काउंट क्या होता है, जो मेरा पिच आएगा उसको सारे डिवीजन से डिवाइड कर देना। देखो कई स्केल में 100 डिवीजन होते हैं, कई सर्कुलर स्केल में, कई में 50 होते हैं, कई में 25 होते हैं, कई में 75 होते हैं, वो डिपेंड करता है, इट वेरीज। ठीक है, तो आई विल डू सम क्वेश्चन, आपको उससे क्लैरिटी होगा। पहले ये वाला क्वेश्चन करो, अ पिच ऑफ द स्क्रू गॉज इज 0.5 मिलीमीटर, मेरा पिच कितना है 0.5 मिलीमीटर, द सर्कुलर स्केल कंटेन 50 डिवीजन, द लीस्ट काउंट विल बी 0.5 डिवाइड बाय 50 बिकम्स 0.001 या 0.01, साहिल क्या होगा, 0.05 बाय 5 होगा, 0.01 मिलीमीटर होगा। आपने अपने पुरानी अंडरस्टैंडिंग से याद करके लिख दिया जो मैंने पढ़ाया था, लेकिन वो बहुत हाई क्वालिटी पढ़ाया मैंने, 0.001। देखो जब आपको कुछ नहीं दिया है तो आप याद रखना स्क्रू गॉज का आप 0.001 ही लेना, अगर आपको ये वैल्यूज नहीं दिए। अगर आपको नहीं दिया वर्नियर कैलिपर के बारे में तो आप आइडियली 0.1 मिलीमीटर ही लोगे, याद रखना। और नॉर्मल स्केल का तो लेकिन अगर आपको दिया है तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। क्यों ये वाला क्वेश्चन करो, कौन सा पेयर मेरा, पहला मेरा पिच है, दूसरा मेरा डिविजन्स है, पिच डिविजन्स, कौन सा मेरा लीस्ट काउंट 0.02 दे रहा है, बी दे रहा है, डी दे रहा है। देखो पहला वाला क्या है, 1/100, क्या आएगा 0.001 होगा, गलत, 1/50, 0. देखो ये तो मेरा क्या हो जाएगा 0.5/100, 0.005, गलत, मेरे को लगता है 1/50 होगा। वन बाय फिफ्टी हो रहा है क्या, वन बाय फिफ्टी, और सॉरी सी, 1/50, 1/50 हो रहा है 0.02। तो मुझे दिया है द पिच एंड द नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन इन अ स्क्रू गॉज विद लीस्ट पॉइंट 0.02 मिलीमीटर आर रिस्पेक्टिवली इन चार में, मेरा ये मैटर है। ओके, कितनों को ये समझ में आ रहा है, हाउ मेनी आर अंडरस्टैंडिंग दिस कॉन्सेप्ट, कोई जिसको नहीं समझ में आ रहा, चलो ठीक है। Now, I think, wait, good question, I think I kept it at wrong place. अभी नीट का क्वेश्चन है, चलो ठीक है। क्लास कब तक है, 11:30 तक है, अभी है 5 मिनट्स। थैंक यू सत्यम। अच्छा ये हो क्या है क्या, आई थिंक मैंने फिर डाल दिया, द पिच ऑफ द स्क्रू गॉज इज 0.5 मिलीमीटर। अच्छा ये तो हो चुका है, आंसर आ गया इसका, बी है। अच्छा अलग क्वेश्चन है के, अच्छा सॉरी अलग होगा, द पिच ऑफ द स्क्रू गॉज इज 0.5
एंड द सर्कुलर स्केल डिविजन आर 50, क्या हो जाएगा 0.01 मिलीमीटर। सेम क्वेश्चन वैल्यूज अलग है बस, सेम क्वेश्चन वैल्यू अलग, ओके, सेम क्वेश्चन सेम पैटर्न ऑफ क्वेश्चन है, उसका आंसर शायद कुछ अलग था राइट, पता नहीं हो सकता है सेम हो, ठीक है वैल्यू भी सेम थी, ओ सॉरी, अच्छा ओ थैंक यू थैंक यू, रिवीजन हो गया आपका, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन, अ कंपनी डायग्राम रिप्रेजेंट्स अ स्क्रू गॉज, द सर्कुलर स्केल इज डिवाइडेड इनटू 50 डिविजन्स एंड द लीनियर स्केल इज डिवाइडेड इनटू मिलीमीटर्स, द स्क्रू गॉज एडवांस बाय 2 1 मिलीमीटर व्हेन सर्कुलर स्केल टेक्स 2 कंप्लीट रेवोल्यूशंस। द लीस्ट काउंट and the reading of instrument, ठीक है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है ये, लेकिन इजी है, लेकिन इस क्वेश्चन को हम समझने की कोशिश करते हैं। अकंपनिंग डायग्राम रिप्रेजेंट स्क्रू गॉज, ओके बच्चों ने कर भी दिया, पहले इसका पिच निकालेंगे, ठीक है, सर्कुलर स्केल में 50 डिविजन्स है, लीनियर स्केल मिलीमीटर्स में डिवाइडेड, ओके, If the screw advances by 1 millimeter when circular scale makes 2 complete revolutions, मतलब क्या 2 revolutions में कितना है 1 millimeter है, तो 1 revolution में कितना होगा, 1 revolution में कितना होगा 0.5 millimeter, तो 1 revolution में जितना linear scale cover करता है, जितना मेरा cover करता है distance, वो क्या होता है मेरा, वो मेरा pitch होता है, पिच क्या हो जाएगा हाफ, मतलब क्या 0.5 मिलीमीटर। अब मुझे क्या निकालना है, अब मुझे क्या निकालना है, लीस्ट काउंट, पिच 0.5 डिवाइड बाय 50, 50 डिवीजन से क्या आ जाएगा मेरा 0.01 मिलीमीटर, मेरा आंसर आ गया 0.01 मिलीमीटर, 0.01 मिलीमीटर। अब देखो वैल्यू कैसे मेजर करते हैं, इनने यहां पे गलत दिया है बट आई विल टेल यू। अब देखो सेम चीज याद रखो, ये मेरा क्या है 3 मिलीमीटर है, 3 मिलीमीटर मेन स्केल कहां तक जा रहा है, 0, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3 तक आ रहा है। अब मैं देखूंगा कौन सा मेरा सर्कुलर स्केल कोइंसाइड हो रहा है मेन स्केल से, कौन सा हो रहा है, 31 हो रहा है कि नहीं, 31 हो रहा है, हाउ मेनी एग्री 31 इज कोइंसाइडिंग, 31 इंटू लीस्ट काउंट, किसका लीस्ट काउंट, सर्कुलर स्केल का, सर्कुलर स्केल का लीस्ट काउंट अभी हमने निकाला था कितना था 0.01, 31 इंटू 0.01 आंसर क्या हो जाएगा 3.31 मिलीमीटर। सेम डिविजन इंटू लीस्ट काउंट, डिविजन इंटू लीस्ट काउंट, लेकिन इसमें मैं कोइंसाइडिंग कौन सा देखता हूं, जो ये कौन सा मेरे स्केल से कोइंसाइड हो रहा है, वर्नियर स्केल में मैं दूसरा देखता था, वर्नियर स्केल में मैं हॉरिजॉन्टल देखता था, इसमें मैं वर्टिकल देखता हूं, बस यही डिफरेंस है, ओके कितनों को आ गया समझ में, हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस, इजी राइट, इजी है। देखिए आज मैं आपको शीट्स दूंगा उसमें इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड टू ट्राई टू सॉल्व इट, सर ठीक है। नाउ तीन क्वेश्चन हो रहे हैं, कर लेते हैं, आपके हेल्पफुल रहेगा, वैसे टाइम मेरे पास कितना बचा है, 1 मिनट बचा है, लेकिन आई विल एक्सटेंड फॉर 5 मिनट्स क्योंकि नेटवर्क इशू हो गया था, आई वॉन्ट टू कवर दिस कंप्लीटली टूडे, ओके ना। इससे पहले मैं आपको 2 क्वेश्चन करवा देता हूं जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप मुझे मैच द कॉलम बताओ, ए बी सी डी क्या आंसर रहेगा, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं मेंस में और नीट में, ये रीडिंग्स दी है, आप बताओ ये कौन सी रीडिंग कौन से स्केल को सूट करती है, ये मीटर्स में, अब चाहो तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो, मीटर स्केल स्क्रू गॉज
वर्नियर कैलिपर, इसका हम सेंटीमीटर में या मिलीमीटर में पहले लीस्ट काउंट लिख लेते हैं, फिर मीटर में भी लिख पाएंगे। सेंटीमीटर में वो क्या होता है, 0.1, ये होता है 0.01, 01, 0.01। मीटर में करोगे तो कितना हो जाएगा, 10^-4 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 1000 से डिवाइड करेंगे तो 10^-7 तक जाएगा, 10^-6, सॉरी ये जाएगा 10^-5 तक जाएगा। सी ऑप्शन है। मीटर स्केल का क्या रहेगा, 4 रहेगा। वर्नियर कैलिपर का क्या रहेगा, मीटर स्केल का 4 रहेगा। और फिर आप क्या बोल रहे हो, V का 3 रहेगा, C का 2 रहेगा। C का 2 तो सही है, पैरेलेक्स है रे। कितनों का ऐसे ही आ रहा है, किसी का कोई अलग आ रहा है क्या? आपको सेंटीमीटर की आदत है, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो। 10^-2, 10^-1, 2, सॉरी 10^-1, 2, 10^4, ये हो जाएगा 10^-2, 10^-3। स्क्रू गॉज -3, वर्नियर कैलिपर मेरे ख्याल से, देखो मीटर स्केल तो सही आपने बताया, मीटर स्केल सी होगा। देखो -1 से 10^4 जा रहा है ना, स्क्रू गॉज होगा आपका 2, -3 तक जा रहा है। वर्नियर कैलिपर होगा ए का 3, बी का 4, सी का 2, ऑप्शन ए होगा मेरे ख्याल से। पैरेलेक्स मेथड जो चौथा बचा हो, पैरेलेक्स मेथड हो गया। ये एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस, ये स्टार और प्लैनेट्स के डिस्टेंस निकालने के काम आता है। अर्थ से स्टार का डिस्टेंस कितना है, दो स्टार के बीच का डिस्टेंस कितना है, ये मैंने किसमें कन्वर्ट कर दिया इनको, सेंटीमीटर में। आ तो गया ए, आ गया। A3, B4, C2, D1 होगा, एरर है। कितनों को ये समझ में आया कॉन्सेप्ट, मैं बस एक लास्ट क्वेश्चन करवा के आपको छोड़ दूंगा। हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, मैं लीस्ट काउंट देख रहा हूं। देखो ये 3 डेसिमल तक देगा, ये 2 डेसिमल तक देगा, मेरा स्केल 1 डेसिमल तक ही दे सकता है। माई स्केल कैन गिव अप टू 1 डेसिमल ओनली, तो मैं डेसिमल के हिसाब से मेजर कर ले रहा हूं। ठीक है, ये क्लियर है? चलो ठीक है, अब मैं आपको लास्ट क्वेश्चन देता हूं। ये लास्ट क्वेश्चन बता दो, मेरे एक रॉड है, उसकी लेंथ 3.50 दी है, मैं किस डिवाइस से मेजर करूंगा इसको? 2 डेसिमल तक है, 2 डेसिमल, मतलब मुझे देखना है किस डिवाइस की पिच 2 डेसिमल तक होती है। क्या मीटर स्केल की पिच होती है? नहीं, स्क्रू गॉज और वर्नियर कैलिपर। ओके देखते हैं, 1 × 1 − 10/9/10 कितना हो जाएगा, 1 × 0.1 ओके 0.1 × 0.1, 0.01 सेंटीमीटर।
मेन स्केल डिवीजन भी 0.1। स्क्रू गॉज कितना रहेगा? 1/100। बहुत ये तो बहुत ही वो हो जाएगा, 10^-3 हो जाएगा। ये 1/50, ये भी 10^-3 पे जाएगा। तो बी मेरा आंसर रहेगा, क्योंकि बी का लीस्ट काउंट कितना है? 2 डेसिमल तक है, इसका 3 डेसिमल तक है, इसका 3 डेसिमल तक है, इसका 1 डेसिमल। तो बी इज द आंसर। ओके ओके, किसी को कोई डाउट? सारे कोई डाउट्स क्लियर? ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट्स। यू कैन टाइप योर अटेंडेंस एंड नेक्स्ट क्लास विल स्टार्ट विथ एरर एनालिसिस। सिग्निफिकेंट एरर्स ऑल्सो आई विल कवर, सिग्निफिकेंट डिजिट्स। ओके, क्या हो गया स्टूडेंट्स?